जय माता दी दोस्तों। तो आज फिर से लेकर आ गई हूँ नवरात्रि की एक और थाली, जिसमें आज बनाया है मैंने डोसा और बनाई है आलू की टिक्की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए मैंने लिए है समा के चावल, जिन्हें आप व्रत में खा सकती हैं। साथ में लिया है 1/4 उसका मैंने साबुतदाना। साबुतदाना भीगा हुआ नहीं है, आप इसी तरीके से लीजिएगा जैसे नॉर्मल बाजार से लाती हैं। फिर उसके बाद मैंने साबुतदाना और समा के चावल को मिक्सी के जार में डाला है और इनका बना लेंगे एक फाइन सा पाउडर। तो ये देखिए इस तरीके से इसका पाउडर बन जाएगा। ये दरदरा सा रहता है, आप इसे थोड़ा छान छान सकती हैं या तो फिर इसी तरीके से रखें। फिर इसमें डालना है मैंने 2 से 3 चम्मच फ्रेश दही, घर का बना हुआ, आप बाजार से भी ले सकते हो। और फिर इसको फिर से एक बार मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके इस तरीके से बना लेना है आपको इस। फिर उसके बाद इसे एक बाउल में निकालना है, हमें एक बाउल में निकाल लेना है। और मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि अगर आपको डोसा बनाना है व्रत के लिए, तो जैसे शाम को व्रत वगैरह खोलना होता है या फिर जब भी आप दिन में भी बनाना चाहती है, तो आप उससे 3 से 4 घंटे पहले इस तरीके से बैटर को बना के रख लीजिए। क्योंकि हमने इसमें चावल को भिगोया नहीं है, दाल वगैरह कुछ यूज नहीं की है, जो भी सामान यूज किया है उसे थोड़ा सा टाइम तो चाहिए ही भीगने के लिए। तो हमें 3 से 4 घंटे क्या करना है, इसे भिगो के इस तरीके से मतलब बैटर बना के रख देना है। तो देखिए जिस तरीके से मैंने आपको बताया इसी तरीके से बनाना है आपको। और ये देखिए मैंने इसमें थोड़ा पानी ऐड करके इसे अच्छे से फेंट लिया है। अब उसे 3 से 4 घंटे के लिए मैंने रख दिया है। अब मैं क्या करूंगी कि पहले बना लूंगी उसके लिए आलू। आप चाहें तो जब उसको मैं इस तरीके से बैटर को रखें, उससे बाद में आपको आलू उबालना है, बनाना है, ये सारे काम निपटा सकती हैं। तो मैंने आलू में डाला है जीरा और डाली है हींग। आलू की स्टफिंग जो उसमें डोसे में बनानी है उसके लिए मैंने कर रही हूँ ये। तो इसमें हरी मिर्च, लाल मिर्च डाली है, साथ में डाला है कढ़ी पत्ता। और इन सभी चीजों को तेल में हल्का सा सुनहरा कर लेंगे। इस तरीके से इसे भूनना है, ये देखिए चलाना नहीं है आपको। और फिर इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी कलर के लिए, तो आप चाहे तो डाल सकती हैं, वरना आप अगर नहीं खाती है तो आप ना डालें। और तेल में हल्दी अच्छे से भून जाएगी ताकि इसका जो कच्चापन है वो ना लगे आपको खाने में। और फिर इसके बाद हमें उबले हुए आलू डाल देने हैं। आपको जितने डोसे बनाने हैं आप उसके अकॉर्डिंग ले सकती हैं आलू। मैंने 4 आलू ली थी, उन्हें हाथ से मैश कर लिया है। मैश करने के बाद मैं इसी मसाले में इसे डाल दूंगी। डालने के बाद इसे थोड़ा सा पकाएंगे, पहले मसाले में इसको मिक्स करेंगे इस तरीके से, ताकि इसमें आलूओं में सारा जो मसाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर इसे थोड़ी देर के लिए 3 से 4 मिनट के लिए मैं इसे ढककर पकाऊंगी। तो आलू को आप चाहे तो जैसे बड़े टुकड़े हैं उन्हें थोड़ा सा इस तरीके से कलछुल से तोड़ सकती हैं। इसमें मैंने ऐड किया है थोड़ा सा टेस्ट इनहेंस करने के लिए, इसमें काली मिर्च और लाल मिर्च पाउडर डाला है, क्योंकि स्पाइसी बहुत पसंद होता है सभी लोगों को, व्रत में मन फीका फीका रह जाता है इसलिए। तो इसमें हमने सेंधा नमक डाला है व्रत वाला, जो आप यूज करती हैं। और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी ताकि जो काली मिर्च और लाल मिर्च नमक वगैरह है वो आलूओं में अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर उसके बाद इसे थोड़ी देर के लिए ढककर रख देंगे। 4 से 5 मिनट के लिए इसी तरीके से इसे पकाएंगे। पकाने के बाद इसे खोलकर चेक करेंगे। देखिए हमारे आलू जो है वो एकदम बिल्कुल तैयार हो गए हैं। इसमें डालेंगे हरा धनिया, और हरा धनिया डालने के बाद इसे कलछुल की मदद से इस तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे, ताकि जो हरा धनिया है वो सारी ही आलू की सब्जी में अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर उसके बाद इसे बनाकर साइड रख लेंगे, इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तब तक हम आलू की टिक्की बना लेते हैं, क्योंकि आज स्नैक्स में मैंने आलू की टिक्की बनाई है। उसके लिए मैंने लिया है 1 बाउल और फिर 3 आलूओं को कद्दूकस करके लिया है। फिर इसमें डालूंगी मैं फ्रेश हरा धनिया, इसे कट करके लेंगे। फिर इसमें डालेंगे चुटकी भर जीरा स्वाद के लिए। फिर इसमें डालेंगे हरी मिर्च और सेंधा नमक, व्रत में जो सेंधा नमक खाते हैं वो नमक डाला है। फिर इसे इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा काली मिर्च, और फिर इसे हाथों की मदद से अच्छे से इसको मिक्स करके एक डो बना लेंगे, जैसे कि इसका एक डो बना लेंगे। इस तरीके से हमने डो को बना लिया है, बाइंड कर लिया है इस तरीके से। अब इसकी हमें छोटी छोटी टिक्की वगैरह बनानी है। आप चाहें तो इसमें चावल का आटा या फिर सेंधा साबूदाना जो होता है उसका पाउडर यूज कर सकती हैं, लेकिन आप नेचुरली इस तरीके से प्योर आलू की बनाएंगी, बहुत ही बढ़िया बनेंगी,
बहुत सॉफ्ट और बढ़िया बनती है। तो देखिए मैंने हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लिया है, रिफाइंड लगा लिया है, फिर उसके बाद मैंने इसे गोल गोल रोटी की तरह बनाया है, और फिर उसके बाद इस चपटा करके टिक्की बना ली है। फिर उसके बाद इसी तरीके से सारी टिक्कियों को बना लेना है। ये देखिए मैंने सारी टिक्कियां बना के रेडी कर ली है। अब इसे हम शैलो फ्राई करेंगे। आप चाहें तो आप एयर फ्राई कर सकते हैं या फिर आप डीप फ्राई भी कर सकती है। मैंने इसे शैलो फ्राई किया है और तवे पे मैंने लगा लिया है थोड़ा सा तेल, और चाहे तो आप ना लगाएं नॉनस्टिक तवे पे क्योंकि जरूरत तो नहीं होती है। फिर उसके बाद तेल को पूरे तवे पे फैला लेना है। आपको एक एक करके टिक्कियों को रख देना है। गैस की फ्लेम को आपको थोड़ा धीमा ही रखना है, कम रखना है, क्योंकि टिक्कियां जले ना और अंदर से भी थोड़ी सी पक जाए। वैसे तो आलू पका ही हुआ है, लेकिन जो फ्राई होता है ना वो क्रंचीनेस जो है वो अच्छे से थोड़ा अंदर तक सिक जाए तो आपको आलू की टिक्की का टेस्ट बहुत बढ़िया लगेगा। इसीलिए आपको क्या करना है, गैस की फ्लेम को कम ही रखना है। फिर आपको क्या करना है, दूसरी साइड में थोड़ा सा ऑयल लगा देना है चम्मच से या फिर ब्रश की हेल्प से, और फिर इन टिक्कियों को धीरे से पलट के देखना है कि उस साइड से पक गई है। ये देखिए दूसरी साइड से भी टिक्कियां जो है वो पक चुकी हैं। अब इन्हें सारी टिक्कियों को मैं इस तरीके से पलट दूंगी आराम से। ये थोड़ा स्लिप हो रही थी क्योंकि ऑयल वगैरह था। फिर उसके बाद मुझे ये ड्राई लग रही थी तो मैंने दूसरी साइड भी थोड़ा सा ऑयल लगा दिया था। फिर उसके बाद मैंने इसी तरीके से चम्मच से थोड़ा प्रेस किया, उसे फ्लैट किया और फिर से अलट पलट करके इसी तरीके से पका लिया। देखिए हमारी टिक्की सुनहरी सुनहरी बन के तैयार हो गई है। 4 घंटे पहले जो मैंने डोसे का बैटर बना के रखा था उसे देखिए मैंने बना के 4 घंटे बाद कितना बढ़िया लग रहा है ये बैटर। तो तवे को कर लेते हैं सेट थोड़ा सा पानी की छींटे मार के, और फिर एक न्यूज़पेपर या फिर आप कोई कपड़ा लेकर इस पानी को इस तरीके से क्लीन कर दीजिए, और फिर उसके बाद आपको डालना है इसमें डोसा। तो आपको चिमचा लेना है, जो कटोरी कटोरी जैसा चिमचा होता है उसे एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज इस तरीके से घुमाना है, और डोसे का जो बैटर है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से इस तरीके से इसमें फैल जाएगा। पहले मैं आपको एक डोसा बनाकर दिखाऊंगी, पेपर डोसा, और दूसरा मैं आपको आलू का जो डोसा होता है वो वाला स्टफिंग करके दिखाऊंगी। तो मैं दो डोसे बना के आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने डोसे को फैला दिया है। डोसा जो है जब वो पक जाता है एक साइड से तो वो ऊपर की जो लेयर होती है वो ड्राई होने लगती है। उसी स्टेज पे आपको थोड़ा सा उस पे ऑयल डालना है। साइड में आप ऑयल डालना चाहे तो डाल सकती है ताकि वो निकलने में बहुत इजी रहे। फिर उसके बाद जो डोसा है वो अपने आप ही तवा छोड़ देता है। फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा इसे पलट देना है, क्योंकि मैं पेपर डोसा बना रही हूँ तो मैंने इसे दोनों से उस साइड से भी पका लिया है, और फिर उसके बाद हमारा ये पेपर डोसा बन के हो जाएगा तैयार। तो चलिए इसे फोल्ड कर देते हैं इस तरीके से, और मैं आपको दिखाती हूँ ये सुनहरा सा क्रिस्पी सा पेपर डोसा हमारा बन के तैयार हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट एक और डोसा बनाते हैं। फिर से मैंने तवे पे पानी डाल दिया और न्यूज़पेपर से इसे क्लीन कर लिया है इस तरीके से। फिर उसी तरीके से हमें इसे घुमाना है, और घुमाने के बाद इस तरीके से आपको फैला देना है पूरे तवे पे। मैंने क्या किया, जो डोसा का बैटर था वो पूरे ही तवे पे इस तरीके से फैला दिया, और फिर इसके बाद ये धीरे धीरे से अपना जो डोसा बन के तैयार हुआ वो तवा छोड़ने लगा। फिर उसके बाद मतलब कि ये पक गया है, थोड़ा सा और पकाना है इसको, और फिर उसके बाद दिखाती हूँ मैं आपको पीछे से कितना बढ़िया कुरकुरा सा डोसा बन के तैयार हो जाएगा। तब तक इस पे क्या करते हैं, थोड़ा सा ऑयल लगा के इसके अंदर की स्टफिंग भर लेते हैं। जैसे ही डोसा जो पक के तैयार हो जाएगा आपको ऊपर इसकी रेडनेस दिख जाएगी। फिर मैंने आलू की जो स्टफिंग बनाई थी उसको इसमें डाल लिया है, और चम्मच की मदद से इस तरीके से इसे फैला दिया है अच्छे से भर भर के। आपको स्टफिंग बनी है, फिर उसके बाद आपको एक साइड से इस तरीके से फोल्ड करना है। देखिए जिस तरीके से मैंने फोल्ड किया है, फिर आपको दूसरी साइड से भी इसे फोल्ड करना है। ये देखिए कितना बढ़िया फोल्ड करके हमारा ये मसाला डोसा बन के तैयार हो गया है। आपको लगेगा ही नहीं कि ये आपने व्रत में बनाया है, और ये इतना क्रिस्पी और इतना टेस्टी बना था सच में। आप व्रत में भी इतने अच्छे रेसिपीज बनाकर खा सकती हैं, बिलीव मानिए। मेरी सारी 9 डेज की सीरीज को देखिएगा, मैं आपके लिए सारे डिफरेंट डिफरेंट फूड लेकर आऊंगी नवरात्रि में। ये मैंने टिक्की को डेकोरेट किया है मूंगफली की चटनी
और टमाटो केचप के साथ। ये टमाटो केचप मैंने घर में बनाई है, मूंगफली की चटनी भी मैंने घर पे बनाई थी। इसका शॉर्ट वीडियो मेरे चैनल पे है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी और वीडियोस आने के लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय माता दी दोस्तों, बाय बाय फ्रेंड्स। देखिए क्रिस्पी डोसा और टिक्की की रेसिपी।